नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज के उपचार के दौरान आने वाली प्रमुख बाधा है और यही हमको डायबिटीज के एक एग्रेसिव मैनेजमेंट को प्राप्त करने से रोकती है। अधिकांश एंटी डायबिटिक एजेंट्स को देते समय हमें जिस प्रमुख परेशानी का सामना करना पड़ता है उसमें से एक है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसके विषय में हम समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, तो हम उससे किस प्रकार से आप उसके ट्रीटमेंट में अपेक्षित परिवर्तन लाएं। यह चर्चा हम एक केस स्टडी के माध्यम से करते हैं। एक एल्डरली फीमेल जो कि 8 वर्षों से डायबिटिक हैं, ओबीज, वेस्ट सरकमफेरेंस ज्यादा होना मतलब सेंट्रली ओबीज, वेस्ट हिप रेशियो भी ज्यादा है, एकेंथोसिस निग्रिकेंस का प्रेजेंट होना अर्थात इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनके फास्टिंग पीपी वैल्यूज 157 to 25 जो कि काफी बढ़े हुए हैं और इस वक्त यह ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे हैं, ग्लिबेनक्लामाइड 20 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम और पाइरोलिडोन 15 मिलीग्राम, मतलब बहुत अच्छी और अप्रोप्रिएट ड्रग्स पे हैं। इनको हम यह नहीं कह सकते ओबीज इंडिविजुअल है, मेटफॉर्मिन भी पूरी डोज में चल रही है, पाइरोलिडोन एक दूसरा इंसुलिन सेंसिटाइजर चल रहा है, सल्फोनिल यूरिया में मोस्ट पोटेंट सल्फोनिल यूरिया ग्लिबेनक्लामाइड फुल डोजेज में चल रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि कंट्रोल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। एक ऑप्शन तो हमेशा तैयार है इंसुलिन थेरेपी का, लेकिन सोचा ये गया कि क्या कोई ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है अभी जो इनमें यूज किया जा सके। तो पाया ये गया कि अगर हम एक DPP-4 इनहिबिटर ऐड करते हैं तो शायद हम उसमें कुछ लाभ दे सके। तो इनमें 20 मिलीग्राम टेनिलिग्लिप्टिन ऐड किया गया। जब 10 डेज के बाद 20 मिलीग्राम टेनिलिग्लिप्टिन और प्रीवियस तीनों ड्रग्स के साथ देखा गया तो 157 to 25 जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो घट गया 127 171 आ गया। ओके, बुरा नहीं है, चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं क्योंकि हमें जानते हैं कि जैसे जैसे मेडिसिन का ग्लूकोज लेवल कम होता है वैसे वैसे मेडिसिन का इफेक्ट बढ़ता है। एक और भी तथ्य हमें ध्यान में रखना है कि DPP-4 इनहिबिटर्स वो भी क्रमशः धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और पीक इफेक्ट आने में 4 से 6 सप्ताह 4 to 6 weeks तक लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने इनको सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया इस उम्मीद में कि ग्लूकोज लेवल कम होने से दवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, DPP-4 का इनहिबिटर का प्रभाव अपने आप ही बढ़ेगा, तो शायद ये बेहतर स्थिति में हो। और यह देखा भी कि कुछ दिनों बाद ये एकदम से 72 मिलीग्राम% ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ में ये प्रेजेंट की जब उनको जनरलाइज वीकनेस, घबराहट, हाइपोग्लाइसिमिया के फीचर्स आने लगे थे और क्लिनिक में आई तो देखा गया ये रियल हाइपोग्लाइसिमिया जो लेस देन 70 होता है उतना तो नहीं, लेकिन 72 मिलीग्राम% उस वक्त इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल था। अब प्रश्न यह उठता है कि यह 4 मेडिसिन ले रही हैं, ग्लिबेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन और पाइरिडिन, यह 3 दवाएं तो ये पहले से ले रही थी, हमने टेनिलिग्लिप्टिन और ऐड की थी, तो अब हम इसमें क्या करें। ग्लिबेनक्लामाइड की डोज रिड्यूस करें, मेटफॉर्मिन की डोज रिड्यूस करें, टेनिलिग्लिप्टिन की डोज रिड्यूस करें जो हमने अभी ऐड की थी, या यह माना जाता है कि ग्लिबेनक्लामाइड सबसे पोटेंट सल्फोनिल यूरिया है जिसकी हाइपोग्लाइसमिक टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसको हम रिप्लेस कर दें ग्लिमिप्राइड से जो कंपेरेटिवली हाइपोग्लाइसीमिया जिससे माइल्डर होता है। तो अब इन चारों में हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये तो हम क्या करें। वास्तव में हमें इसमें ग्लिबेनक्लामाइड को कम करना है डोज को, हमें एक सल्फोनिल यूरिया से दूसरे सल्फोनिल यूरिया में जाना यह लाभकारी तो हो सकता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया जब इतना सिग्निफिकेंट हुआ है तो उसमें हम कोई विशेष लाभ प्राप्त करें ऐसा शायद ना हो पाए। तो ग्लिबेनक्लामाइड को हम ग्लिमिप्राइड में कर लें ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट डोजेस में हम डोजेस को कम अवश्य करें। तो यह जानते हुए हमने ग्लिबेनक्लामाइड की डोज को कम करने का प्लान बनाया। अब यहां यह समझना है कि जो आइट्रोजेनिक हाइपोग्लाइसीमिया है मतलब हाइपोग्लाइसीमिया जो किसी मेडिसिन के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है वह किससे होता है। वास्तव में केवल 2 ही मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं, या तो जो हमने बाहर से इंसुलिन अगर हम इस्तेमाल करें तो एक इंसुलिन एक एजेंट है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, और दूसरा जो अंदर से इंसुलिन निकाल रही हैं जो ड्रग्स
जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा रही हैं, कौन कौन सी? सल्फोनील यूरिया और मैग्लूटेनाइड्स। तो चाहे एक्सोजेनस इंसुलिन हो चाहे एंडोजेनस इंसुलिन हो, इंसुलिन के कारण से ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है, किसी भी अन्य दवा से नहीं होता। तो हमें ये तीन ड्रग्स याद रखनी है, इंसुलिन, सल्फोनील यूरिया और मैग्लूटेनाइड्स, यही दवा हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। तो इसलिए जब कभी भी हमारा पेशेंट कोई हाइपोग्लाइसीमिया लेके आए, हमें इसकी डोजेस को देखना है, मेडिसिन को देखना है, और उनमें रिडक्शन इन्हीं तीन दवाओं में करना है। इंसुलिन सेंसिटाइजर में रिडक्शन नहीं करना, मेटफॉर्मिन से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, पाइरिडिनोन से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, DPP-4 इनहिबिटर से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। आप कहेंगे यहाँ पे तो टेनिलग्लिप्टिन दी, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया टेनिलग्लिप्टिन से नहीं हुआ, टेनिलग्लिप्टिन ने इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा दी। तो जो इंसुलिन अभी तक हमारी सल्फोनील यूरिया ग्लिबेनक्लामाइड देने से रिलीज हो रही थी, वो इंसुलिन अभी तक काम कम कर रही थी, अब टेनिलग्लिप्टिन देने के बाद उसका प्रभाव बढ़ गया। तो टेनिलग्लिप्टिन ने एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है ये, लेकिन वास्तविक हाइपोग्लाइसीमिया तो ग्लिबेनक्लामाइड के कारण से ही हुआ। तो जब कभी भी ऐसा हो तो हम डोज हमेशा सल्फोनील यूरिया, मैग्लूटेनाइड या इंसुलिन, इन्हीं की घटाएंगे, किसी इंसुलिन सेंसिटाइजर की नहीं। तो देखते हैं बनुओं कि इसमें क्या हुआ। यह जो ग्लिबेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, टेनिलग्लिप्टिन यह लेते हुए जो पेशेंट हमारे सामने आए, तो इनमें हमने ग्लिबेनक्लामाइड की डोज को 15 मिलीग्राम रिड्यूस किया, जिससे कि ग्लूकोज लेवल अगली बार ठीक मिला, और कुछ समय बाद हमने देखा कि ये हमारा नियर नॉर्मल लेवल पे आ गया। यह इसलिए भी क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम होने से सेंसिटिविटी बढ़ी और टेनिलग्लिप्टिन का रिस्पॉन्स भी समय के साथ बढ़ता गया। तो इस प्रकार से हम इस पेशेंट में एक बेहतर कंट्रोल प्राप्त कर सके और हाइपोग्लाइसीमिया से भी हम ठीक हो सके, पेशेंट को ठीक कर सके। अब यहाँ पे बात ये आती है, इस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम भी है। अब कार्डियक प्रॉब्लम है तो एक विचार मन में आया कि पेशेंट तो काफी ठीक हो गया, लेकिन क्या हम इसमें SGLT2 इनहिबिटर्स को ऐड ना करें? ओबीज इंडिविजुअल है, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, CHF है, तो CHF में भी हम जानते हैं कि SGLT2 इनहिबिटर्स लाभ देते हैं, क्योंकि उनका एसोसिएटेड थोड़ा आफ्टर लोड और प्री लोड कम करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम करके, और जो हाइपोनेट्रीमिया, जो ग्लूकोज लॉस बढ़ाकर उनसे। तो इस प्रकार से फिर ये प्लान किया गया, अब जब पेशेंट बेटर स्थिति में है, हम SGLT2 इनहिबिटर्स भी इसको ऐड कर दें। तो रेमोग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे इस पेशेंट को ऐड किया गया। अब देखिए, वह पेशेंट जब ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे था, पाइरिडिनोन पहले ही विड्रॉ कर ली थी CHF होने के कारण, इस ट्रिपल ड्रग थेरेपी पे ग्लूकोज लेवल्स ठीक थे, अब हमने रेमोग्लिफ्लोजिन ऐड किया। देखिए बड़ी समझदारी से, यहाँ पे जब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ठीक है और हम एक मेडिसिन ऐड कर रहे हैं तो वो फिर हाइपो में चला जाएगा। तो यहाँ प्रिकॉशनरली पहले से ही हमने ग्लिबेनक्लामाइड जो 15 mg थी उसको घटा के ग्लिबेनक्लामाइड 10 mg कर दिया। तो ग्लिबेनक्लामाइड जो हाइपोग्लाइसीमिया करती है उसको डोज को कम करके हमने रेमोग्लिफ्लोजिन ऐड किया, और फिर देखा कुछ समय बाद, 10 दिन बाद, अरे वाह ये तो लोअर रेंज में है, बहुत अच्छा। लेकिन फिर पेशेंट ये हाइपो में जा सकता है, इसलिए ग्लिबेनक्लामाइड की डोज को और कम कर दी, और फिर पेशेंट को हमने 10 दिन बाद जब बुलाया तो देखा अभी भी बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है। प्रिकॉशनली हमने ग्लिबेनक्लामाइड की डोज को और कम किया, रेमोग्लिफ्लोजिन का भी असर और बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज लेवल कम होने से टेनिलग्लिप्टिन भी अपने पीक इफेक्ट पे आ चुकी है, और हमने देखा अल्टीमेटली उसकी ग्लूकोज लेवल तब भी कंट्रोल्ड है। हमने ग्लिबेनक्लामाइड को बिल्कुल स्टॉप कर दिया, और पेशेंट हम देख रहे हैं कि 3 महीने की इस एक्सरसाइज के बाद टेनिलग्लिप्टिन और SGLT2 इनहिबिटर्स, मतलब DPP-4 और SGLT2 इनहिबिटर्स को ऐड करके हमने बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी प्राप्त किया, और ग्लिबेनक्लामाइड को भी हम हटा सके इस पेशेंट में। तो इस प्रकार मित्रों, हमने इस पेशेंट में क्या सीखा कि पहला लेसन, हाइपोग्लाइसीमिया केवल और केवल इंसुलिन के कारण से होता है, चाहे वो एक्सोजेनस इंसुलिन हो चाहे एंडोजेनस इंसुलिन के इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स हो, जैसे सल्फोनील यूरिया और मेटफॉर्मिन।
दूसरी चीज जो हमारी मेडिसिन्स हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर या और तरह के एजेंट्स एडजुवेंट्स, ये सभी ड्रग्स ग्लूकोज लेवल कम करती हैं, उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकती हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाने से इंसुलिन जो एक्सोजेनस इंसुलिन है या एंडोजेनस इंसुलिन के सिक्रेटोगॉक्स सल्फोनिलीडिया या मैग्लुटेनाइड्स, उनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, इसलिए उनसे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बाकी एजेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, लेकिन बाई इटसेल्फ दे डोंट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो ऐसे में अब यदि हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हमें इंसुलिन की ही डोज कम करनी है, सल्फोलिपिन या मैग्लुटेनाइड के ही डोज कम करनी है, इंसुलिन सेंसिटाइजर की डोज कम नहीं करनी। और जब कभी भी हम इस तरह सेंसिटाइजर एक वेल कंट्रोल्ड पेशेंट में ऐड कर रहे हों तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पहले से ही, जैसे DPP-4 इनहिबिटर ऐड कर रहे हैं, SGLT2 इनहिबिटर ऐड कर रहे हैं, तो पहले से ही हम उस पेशेंट की जो इंसुलिन या सल्फोनिलीडिया की डोज को कम कर लें, जिससे कि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। तो मित्रों, यदि हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट के दौरान और हाइपोग्लाइसीमिया को बचा सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं, होने के बाद उसको इफेक्टिवली ट्रीट कर लेते हैं, तो यही हमारे ट्रीटमेंट की सफलता का प्रमुख बिंदु है। किसी भी पेशेंट को एक बार हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसके मन में इतना भय बैठ जाता है कि बाद में वो टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल में आने से बचना चाहता है। वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ये तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको पहले से हाइपोग्लाइसीमिया से बचाव का प्रयत्न अगर हम करके चलेंगे तो हम अपने पेशेंट के साथ एक बेहतर तालमेल उसकी डायबिटीज मैनेजमेंट में स्थापित कर सकेंगे, बिना उसको कोई हानि पहुंचाए हुए। धन्यवाद।